चुनाव को लेकर जनपद बहराइच में नामांकन प्रक्रिया के आज पांचवें दिन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तेजी खान की पत्नी जाहिदा खान एवं निर्दल प्रत्याशी रूबीना रेहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जनपद बहराइच में 2 नगरपालिका क्षेत्र एवं 6 नगर पंचायत पदों के लिए चुनाव होने से हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सपा प्रत्याशी जाहिदा खान ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, इसके लिए वो जीत का हर संभव प्रयास करेंगी। वहीं निर्दल प्रत्याशी रूबीना रेहान ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 सालों से बेहतर विकास कार्य किया है, जिसको लेकर एक बार फिर जनता उन्हें जीत दिलाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। शांतिपूर्ण व्यवस्था एवं कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट कर रही है और विकास को अवरुद्ध करके धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। इसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी कि हम सामाजिक ताना बाना और जो संवैधानिक ढांचा है उसको नष्ट होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का यही मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं। नगर वासियों ने मुझे मौका दिया तो मैं शहर को सुंदर बनाऊंगी, विकास करूंगी और जो भी यहाँ की, जैसे मैं भी यहीं रहती हूँ तो यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की समस्या, ड्रेनेज की समस्या और सफाई और सीवर लाइन की कमी है यहाँ पर और बिजली प्रकाश की व्यवस्था, ये सब मैं अपने तन मन धन से कोशिश करूँगी कि इसको बखूबी पूरा कर सकूँ। खुदा हाफिज़। जनपद बहराइच में 8 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 2 नगरपालिका और 6 नगर पंचायत हैं। 4 नवसर्जित हैं। सभी में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में नामांकन प्रक्रिया गतिमान है और मुझे प्रसन्नता है कि सभी के सहयोग से अभी तक जो नाम निर्देशन की प्रक्रिया चल रही है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष ढंग से चल रही है और इसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। जो निर्धारित संख्या में नाम निर्देशन पत्र के साथ व्यक्ति जा सकते हैं, 4 वही लोग जा रहे हैं और इसमें सबका सहयोग है। मैं नागरिकों से भी अपील करूंगा कि नगरीय निकाय के इस निर्वाचन में अपना सहयोग दें और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि स्थानीय गवर्नमेंट का आपको निर्माण करना है, एक तरीके से उसका चयन करना है, तो अपने मत का प्रयोग भी अवश्य करें।